जी भी गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। तो आज है 30 जनवरी 2021। अभी होटल से निकले हैं, अपना जा रहे हैं दर्शन करने भवन पे। तो अलग ही आनंद आ जाता है जब ऊपर जा रहे होते हैं ना भवन पे। तो ये रहे सब तैयार खड़े हैं, पंकज मनोचा जी, जय माता दी, पृथ्वी मनोचा, जय माता दी, ये फादर साहब, जय माता दी, जय माता दी। सबसे ज्यादा ठंड इन्हें लग रही है। जय माता दी। बाकी अपनी लेडीज से भी मिलवाता हूँ, वो भी बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। अभी ड्राइवर साहब गाड़ी साफ कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ये खड़ी, जय माता दी। वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, अगर देख पा रहे होगे तो। तो हमने भी उसी में जाना है, चॉपर में बैठ के गाड़ी में अब जा रहे हैं पर भवन पे। आचे दरबार की जय, भगवान की जय, गणेश की जय, अपने माता पिता की जय। मास्क पहनना जरूरी है और इस समय आ चुके हैं हम हेलीपैड की, जो यहाँ पे बोर्डिंग पास मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से बोर्डिंग पास लेके वेट वगैरह करा के फ्लाइट नंबर दे दिया जाएगा, फिर यहीं से गाड़ी हमें ऊपर हेलीपैड पे ले जाएगी। अपनी गाड़ियाँ या ऑटो टैक्सी कुछ नहीं जाता, इन्हीं की गाड़ियाँ हैं। गाड़ी हैं ये होती है इको गाड़ी हैं इनकी, ऊपर ले जाने के लिए। तो अब वहाँ पे वेट वगैरह सब करवा लिया, तो अब यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे बैठो, फिर वो आवाज़ लगाएंगे, फिर उन गाड़ियों में बैठ के इको जो है उसमें ऊपर हेलीपैड पे छोड़ेंगे आपको, फिर वहाँ से आप अपना जाओ। और 3 घंटे का समय देते हैं वापसी रिटर्न का। और यहाँ पे कोविड की जो किट होती है ना उसके अलग से 450 रुपये लग रहे हैं, 75 रुपये एक तरफ के और 2-way के 150 रुपये, ये अलग खर्चा है। 450 900 रुपया तो यही हो गया। मतलब 12वां ग्रुप नंबर 12 है। तो यहाँ से ये ऐसे गाड़ी जाती है ऊपर लेके हमें हेलीपैड पे ऊपर। तो अभी तो हम तीनों को एक फ्लाइट मिली है, मम्मी पापा और मेरे को, मामी और वो दोनों भाइयों को शायद अलग मिलेगी एक फ्लाइट। हाँ जी, जय माता दी दोस्तों। अब हम आ गए हैं चढ़ाई वाले रास्ते पे, अभी हेलीपैड से उतरे हैं। वहाँ एक नया यब है कि वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी देखो तुम्हारा भाई रिस्क लेके ले आया। वहाँ वो चेकिंग करने वाला कह रहा है, एक्सरे मशीन वाला, कि एक्सरे मशीन पार करके वहाँ रख जाओ, किसी को बोल जाना आके वापसी पे फिर ले लेना, मतलब कोई पर्ची वर्ची कुछ नहीं देंगे, बस रख जाओ ऐसे ही। मैं वहाँ से बाहर आया, बैग में फिर डाला, ले आया मैं ऊपर। अब देखो वापसी में फिर एक्सरे मशीन है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे थोड़ा छोड़ के जाएंगे, वापसी में तो भेज ही देंगे, जैसे भी दो बातें सुना देंगे और क्या करेंगे। बाकी मोबाइल फ़ोन अलाउड हैं, कैमरे में क्या ज़्यादा बम है, बम होएगा तो फ़ोन में भी होएगा। चलो इस समय हो रहा है 9:47। वो वजन के हिसाब से भेजते हैं फ्लाइट का बैलेंस बना के। एक फ्लाइट में बैठते हैं 6 बंदे बैठते हैं एक फ्लाइट में, 2 आगे 4 पीछे। तो अपना वजन देखते हैं किस हिसाब से बैलेंस करना है फिर भेजते हैं। हमको तो लगा था 6 के 6 एक ही फ्लाइट में आ जाएंगे, लेकिन 6 को अलग अलग भेजा, 3, 2, 1 ऐसे आए हम यहाँ पे वे टू हेलीपैड। तो यहाँ पे जगह जगह एमरजेंसी के नंबर लिखे हुए हैं, बाई चांस किसी की तबीयत ख़राब हो कुछ हो। तो ऊपर अस्पताल भी बना हुआ है सांझी छत पे,
जरूरत ना ही पड़े, भगवान करे माता रानी बैठी है यहाँ पे तो। बाकी फिर भी इमरजेंसी के लिए सब कुछ सुविधाएं हैं यहाँ पे। आज ये स्पीकर नहीं चल रहे, नहीं तो पहले तो ये स्पीकरों में भेंटें चलती थी, ये लगे हुए पूरे भवन तक लगे हुए हैं नीचे कटरा से। तो वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अब फोटोग्राफी करना, उन्होंने पूरा ना कवर कर दिया है। पहले तो ऐसे जालियाँ जालियाँ थी तो बंदे बना लेते थे, अब उन्होंने पूरी शीट्स वगैरह लगा के पीवीसी की बिल्कुल पैक कर दिए, खिड़कियाँ भी पैक, सब कुछ पैक, ताकि कोई फोटोग्राफी ना कर पाए। फिर भी जो थोड़ी बहुत मैंने बना ली क्लिप वो मैं दिखा दूँगा अभी आपको। तो इतनी ही बन पाई है, नहीं तो ज़्यादा बना देता, और कैमरे का तो अलाउड ही नहीं है। अब मैंने आके निकाला है यहाँ पे, नहीं तो पहले तो मैंने छुपा रखा था, कहीं वो वहीं ना रखवा लें। तो पहला व्यू माता रानी के भवन का यहीं से मिलता है, अगर आप सांझी छत की तरफ से आ रहे हो, वो रहा नीचे, वो शेड दिख रहे हैं ना वो देखो। तो पैदल जो आते हैं वो वहाँ से आते हैं, तो वो रहा भवन, अलग ही फीलिंग आ रही है, आनंद आ रहा है माता रानी के, मतलब जैसे गोद में आ गए हो माता रानी की। पौने 2 किलोमीटर के करीब है हेलीपैड से भवन। अब जैसे ढलान आ गई, पीछे चढ़ाई चढ़ गया है फिर ढलान आ गई, अब आगे जाके फिर चढ़ाई आ जाएगी। तो ऐसे ये सीधा रास्ता नहीं है, चढ़ाई उतराई चलती रहती है। अभी आपको जो रोप वे चला है ना भैरव के लिए भवन से, वो भी दिखाता हूँ। ये जो वायर्स जा रही हैं ये नीचे से रोप वे आता है, तो अभी अगर ऊपर जा रहा होगा रोप वे तो अभी दिखा दूँगा। वो देखो नीचे से जो येलो कलर की बस टाइप लग रहा है ना, वो है रोप वे, वहाँ से लेकर वो ऊपर तक जाता है वहाँ तक। तो ये रोप वे भवन से भैरव के लिए, भैरव की जो चढ़ाई है ना बिल्कुल ऐसी है, तो ये बहुत आसानी होगी। पहले तो घोड़े करके जाते थे, आ जाए तो मैं एक बारी दिखा भी दूं। कोई आ नहीं रहा इस समय, फिर को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो पहुंच गए हैं भवन पे, तो यहाँ पे ये प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। ये तो अगर आपने माता रानी के लिए चुन्नियाँ ली जानी है, चोला ली जाना है, तो यहाँ पे मतलब हर तरह का मिल जाएगा, महंगे से महंगा भी और सस्ते से सस्ता भी। गुलाब, सागर रत्ना, मतलब हर ब्रांड मिल जाएगा आपको प्योर वेज में। बाकी नॉर्मल ढाबा भी हैं, सुख सुविधा पूरी है, यहाँ से आप भेंट ले सकते हो। बिल्कुल पहुँच गए हैं भवन पे, बिल्कुल भवन सामने दिख रहा है। जो मतलब
हेलीकॉप्टर से नहीं आ रहे, रिटर्न टिकट नहीं ली हुई उन्होंने आने जाने की, तो वो जो है जो पैदल आते हैं या जो सिंगल वे आते हैं हेलीकॉप्टर से, उनकी लाइन ये जा रही, पीछे से एंट्री थी वहाँ से आते जाओ ये लाइन है पूरी। और जो हेलीकॉप्टर की रिटर्न आने जाने की बोथ वेज की टिकट लेके आए हैं उनके लिए आगे क्लॉक रूम है और एंट्री भी आगे वाले गेट से है। हमने यहाँ से जाना है कालिका भवन में, यहाँ पर लिफ्ट भी दी हुई है। प्रसाद डाल लिया बाहर बंदर और लंगूर थे ना, इस वजह से प्रसाद अंदर घुसा लिया इसने। तो पीछे आर्मी वालों का और पुलिस वालों का ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ मैंने शूट नहीं करा, अच्छा नहीं लगता ना, सिक्योरिटी रीजंस आ जाते हैं। तो ये हैं सारे लॉकर यहाँ पे, तो यहाँ से हमको चाबी लेनी है और यहाँ पे रुकने के लिए भी बना हुआ है और रेट लिखे हुए। हाँ जी वही दोस्तों, जय माता दी। तो अब दर्शन कर रहे हैं, अंदर तो अलाउड कुछ होता नहीं, पेन भी नहीं अलाउड होता, तो दर्शन करके अब अपना क्लॉक रूम से सामान लेके अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। राजमा चावल, कढ़ी चावल ये होते हैं यहाँ के मशहूर, तो वो करते हैं अपना, खाते पीते हैं थोड़ा और फिर चलते हैं हेलीपैड की तरफ। रश है कैंटीन में तो। चावल ही थे, कड़ी चावल नहीं था, तो 6 के 6 राजमा चावल लिए हैं, अब खाते हैं। टेस्ट तो बढ़िया ही होता है, पता है मेरे को यहाँ का टेस्ट, तो आप भी आए होगे तो आपको भी पता ही होगा टेस्ट यहाँ का। तो अब करते हैं नाश्ता। ये है मफिन, तो ये मफिन मतलब हर जगह ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के मफिन की मतलब जो टेस्ट है ना वो अलग ही होता है, तो हमें यहाँ के मफिन बहुत पसंद है, इस वजह से 5-6 ले लिए सब ने एक एक खा लिया। काजू किशमिश पूरी डली हुई है मफिन के अंदर और एगलेस तो यहाँ पे होना ही है, जब प्याज लहसुन नहीं है तो इस वजह से हम बेधड़क खाते हैं यहाँ पे आके, तो कभी कभार नहीं भी मिलता, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज था तो ले लिया। तो ये है देसी घी का हलवा और ब्रेड पकोड़े, ब्रेड पकोड़ों के साथ ये चटनी, पता नहीं लाल चटनी है कि पनीर भुर्जी सी लग रही है, अगर टेस्ट करके देखेंगे क्या है, चटनी है कि पनीर भुर्जी है। तो भवन से आ चुके हैं, यही एलिफेंट के पास आ गए, ऊपर जा रहा है पैदल रास्ता भैरों के लिए, और जो रोप वे मैंने दिखाया वो सब सेंटर जहाँ से टिकट मिलती है और एंट्री भी यहीं से है। सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक चलता है। चुपके चुपके बना रहा हूँ वीडियो, ये है टिकट, बाकी ऊपर जाके बात करते हैं।
हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू होती है। देखो वो रोपवे जा रही, वो आएगी वापस, उसके बाद हमारा नंबर है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी ले रहा हूँ रिस्क। लाइक कर देना वीडियो, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल जिसने नहीं करा अभी तक। अब ऊपर जाके मिलता हूँ, यहाँ अंदर बना लूँगा चोरी चोरी। सर्दियों में आओगे तो भैरव पे तो बर्फ मिलेगी ही मिलेगी, चाहे पड़ती हुई मिले चाहे पड़ चुकी हो, जो वो दिखे। और जगह जगह लेडीज जेंट्स दोनों के टॉयलेट बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो आए हुए हैं उनको तो सब पता ही है, जो नहीं आए उनके लिए मैं बता रहा हूँ बार बार। ये देखो डिस्पेंसरी वगैरह हर सुख सुविधा प्रोवाइड करी हुई है श्राइन बोर्ड ने। तो ये है पॉइंट, व्यू पॉइंट कह लो आप भैरव बाबा के। यहाँ ये है भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ से आया था मैं। अब यहाँ से दर्शन करके चलते हैं ऊपर। ये बोर्ड जो लगा है ना, इसके पीछे ही दर्शन है भैरव बाबा के, और भैरव बाबा के साथ हनुमान जी के भी दर्शन है। विभूति है, आप पैक करके अखबार में कागज़ में पैक करके ले जा भी सकते हो घर पे, नहीं तो यहाँ पे तिलक लगा लो अपना। तो मैंने तो तिलक लगा लिया। ये खड़ी चढ़ाई है, ऐसी भवन से भैरव तक की पूरी खड़ी चढ़ाई है। आप आ सकते हो तो आप पैदल आ जाओ। मैं कह रहा था ना वो भेंटे चलती रहती हैं स्पीकरों में, ये देखो ये चल रही है ना। ये लगे हुए हैं बोस के स्पीकर। मैंने भाई जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप मैं बोलता रहूँ। जगह बर्फ है, कहीं कहीं जगह नहीं है, ये पुरानी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं लोहड़ी से पहले पड़ी थी, लोहड़ी के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि बर्फ पड़े। खुंदक चढ़ती है ना लोगों पे, किसी मोन्यूमेंट में चले जाओ ही दीवारें गंदी कर देंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आए हैं वैष्णो देवी, तो देखो ये दीवार, ये दिल बना बना के लिख गए हैं। एक से एक हैं यहाँ पे कारीगर ना इंडिया में, फिर की हरकतें तो उसे बाहर आते नहीं। उल्लू के पट्टे कहीं के जो लिख देते हैं दीवारों पे, पता नहीं दीवारों पे लिखने से ज़्यादा प्यार आ जाएगा बीच में इनके। पहली बार ही दिखा है मेरे को मोर यहाँ पे, मोर का बच्चा ही है ये। अभी पर इसके छोटे हैं, बच्चा ही है मोर का। रानी ने बुलावा भेज दिया माता रानी ने, तो आ गए यहाँ पे। मैं तो अपने आप को बड़ा किस्मत वाला मानता हूँ कि हर साल माता रानी बुलावा भेज देती है तो हम आ जाते हैं, नहीं तो हमारी क्या औकात कि यहाँ पे आ पाए। ऐसे भी बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 70-70 साल के हो गए हैं लेकिन आज तक वैष्णो देवी नहीं आए। कि खाली वैष्णो देवी नहीं, नौ देवियाँ करते हुए आते हैं, नौ देवियों से भी ज़्यादा शिव जी के भी मंदिर चले जाते हैं। गुरुद्वारे भी होके आया था आनंदपुर साहब, मेरी क्या ही अच्छी होएगी, मेरे माँ बाप की अच्छी है किस्मत, तो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ उनके किस्मत की वजह से। तो माता रानी से मांगना तो बहुत कुछ होता है लेकिन जब जाता हूँ अंदर तो सब ब्लैंक हो जाता है। तो माता रानी जानी जान है, अपने आप सब ठीक करेगी। बाकी माता रानी को तो मैं यही कहता हूँ, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। माता रानी के पागलों में गिनती होती रहे बहुत है, बाकी किसी के
गुडविल में गुड लुक्स में आने गया, मेरे को शौक नहीं है, बस माता रानी के निगाहों में रहूं मैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लोग लगे रहते हैं दुनिया वालों की नज़रों में ठीक होने के लिए, मेरा मोटिव है कि भगवान की नज़रों में मैं ठीक रहूं बस। अभी पूरा रास्ता घूम के वहीं तक जाना है, थोड़ा कैमरा पास रख रहा हूं ताकि आवाज़ आपको सही समझ में आए, भजन चल रहे हैं ना। हाँ जी क्या कह रहे थे? Have you shown path, landing path? Yes, I have shown it. Why did you say I has shown? तो आई हैव शोन इट क्या है मैंने? नो यू सेड आई हैज। क्या बोला भाई मैंने? आई हैव बोला, आई हैज बोला। सॉरी माय मिस्टेक देन। या आई एम ए इंग्लिश पर्सन, आई अपोलोजाइज। आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश। आई होप जय माता दी, जय माता दी। इसने ना, वो हमारा भाई है ना पृथ्वी मनोचा, उसका एक नाम रखा है, बोलो #Julfi@PrithviManocha। ले कह रहा है वो, उसने हेयर स्टाइल ऐसे करा हो ना बड़े बालों का, तो जुल्फे गिर रही हैं उसकी एक तरफ, तो इसने रख दिया है नाम जुल्फी। कल रात को भी उसको कह रहा टाई योर हेयर, क्या था, टक योर, जस्ट टक योर हेयर, आई मेक श्योर दैट आई विल बाय अ रबर बैंड फॉर यू, ऐसे ऐसे बोल रहा उसको। क्या कह रहा है? He's too shrewd, too... अब ये shrewd क्या होता है? अब चालाक। अच्छा आगे? To defame me by imbibing my name। High level के word बोलता, high level के बोलियो ताकि और मैंने सुन लिया, उसने बोला ये फोर्स कर रहा है मुझे ताकि इसको ना बोलना पड़े, कंटेंट भी मिले और बजे भी ना। शो दिस। हाँ ये देखो अजय लव्स ऐश्वर्या, देख रहे हो? कीकू अंकित प्रियंका प्रिया, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, गाली देने का मन करता है इनको, तो दे नहीं सकते ऐसी जगह पे हम, तो इसलिए उल्लू के पट्टे कह रहा हूँ मैं उनको। ये देखो भाई की भक्ति, देखो नंगे पैर जा रहे हैं, तो पैर सुन हो गए होंगे, पता ही नहीं लग रहा होगा, पता ही नहीं, देख रहे हो भक्ति, देखो कहाँ से आए हो भाई? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? जयपुर। अच्छा हम तो पापी बंदे हैं, शूज पहन के चलते हैं, देखो। अब हेलीपैड आ गया है, अब हेलीपैड से नीचे उतर के बात करूंगा, यहाँ पे तो फिर कैमरा छुपाना पड़ेगा मुझे। किसी और के दरवाजे खटकाता जा रहा। तेरा लख लख शुक्र मना ले, तेरा गीत ता गा।